जुटाए नमस्ते सभी को एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्वागत करता हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ उमरांगसो में कैंपिंग करने जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी बारिश दे रहा है बहुत दिनों से, 3-4 दिन हो गया लगभग। जिस दिन मुझे निकलना था ना उसी दिन से बारिश स्टार्ट हो गया था। मेरा जो ट्रिप था मेघालय, तो मेघालय को अभी इस वक्त कैंसिल कर रहा हूँ ट्रिप, क्योंकि अभी बारिश का समय है तो ये कुछ भी जाके व्यू वगैरह तो दिखाई भी नहीं देगा, और प्लस जो डाउकी है वो भी क्रिस्टल वाटर नहीं रहेगा, ब्लू टाइप नहीं रहेगा, थोड़ा गंदा टाइप रहेगा। और वैसे हाफलोंग में तो बहुत सारा पानी बह गया था पूरा टाउन में बारिश के टाइम में, ऐसा किसी किसी ने तो देखा होगा कि मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था, और बहुत ही गंदा सीन हुआ था हाफलोंग में, पूरा बारिश कंटिन्यू, मतलब मान लो शायद 24 आवर्स ही दे दिया बारिश, उसके वजह से ऐसा हो गया। और कहीं कहीं जगह में रोड भी ब्लॉक हो गया। शुक्र है अभी तो सब कुछ खुल गया, बस अभी ट्रेन ही बंद है। अभी अगर आप लोग डिमासा आना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अभी ट्रेन बंद है, तो आप लोग इससे आ सकते हैं, बाई रोड से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो खुल गया रास्ता भी, लेकिन थोड़ा सा अभी बारिश का टाइम है तो बेहतर होगा आपको बाद में आने के लिए। इस वाला वीडियो में आप देखने मिलेगा इस ट्राइबर के साथ आप कैसा कैंपिंग कर सकते हो, तो वही दिखाएंगे आज आपको। तो चलिए चलते हैं। व्हाट ए कूल वेदर मैन, कूल वेदर है ना अभी। ये देखो ना पूरा फोगी वाला वेदर है अभी। कूल मीन्स ना कूल वेदर है कि नहीं, है ना, ठंडा है ना अभी, तो मजा आएगा कैंपिंग में, बहुत ही मजा आने वाला है। टान से मरेगा, ये बस तो ब्लैंकेट भी है ना, सब कुछ है, तो टान से क्यों मरेगा। तो गाइस हम लोग अभी सुल्लो किलो पहुंच चुका हूं, और यहां का वेदर देखो भाई, भाई साहब ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं दूसरी जगह भी हूं, दूसरे शहर भी हूं, दूसरे टाउन पे हूं, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं दार्जिलिंग में ऐसा फॉग होता है, दार्जिलिंग हर टाइम फॉग ही फॉग ऐसा होता है, तो इस टाइप का नजारा हो गया अभी। जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना फॉग है, तो देखते हैं कि बॉल फील्ड में भी जाके कैसा है, क्या सीन होगा, क्या होगा, सब कुछ दिखा देंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुका है बॉल फील्ड पे। चलिए रात हो गया तो चलिए ये वाला वार्निंग लगा लेते हैं, पहले वार्निंग सुन देते हैं। अब खुल गया चिम चिम, तो बड़ा होना चाहिए था क्या, मैं
फिर तो जाने का टाइम है, एक बार घुस के जाना चाहिए इधर से। डाउन हो गया अभी, चीयर्स। ये डाउन हो गया अभी, ये रेजो ये वाला ना। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी पहुँच चुका है गोल्ड फील्ड में। थोड़ा सा रात हो गया और पहुँच के हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पी लिया। तो हमारा जो सेटअप है ऐसा कुछ है फिलहाल अभी। तो हम लोग खाना बना रहे हैं अभी, राइस कुकिंग हो रही है अभी। ये देखो और भी सेटअप लगाने का बाकी है, लगा दूँगा अभी धीरे धीरे। तो लगा लेते हैं अभी और सेटअप और दिखाते हैं आपको। तो गैस खाना हो गया, अब बन रही है सब्जी। ये देखो सब्जी, हम लोग ने फिश लिया था पंकज, टोमेटो डालने वाला हूँ इसमें और क्या ऐड करने वाला हूँ, मटर ना, मटर ऐड कर लेते हैं। और हमारा जो भाई है नारायण, हेलो, ये दिखाने के लिए आया था। ये बहुत ही अच्छा जगह है, कल सुबह आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे। तो यह बना लेते हैं अभी सब्जी। नमक डाला, नमक कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला ना। हल्दी डाल देता हूँ, ये हल्दी, इसके बाद ये आ गया नमक, नमक थोड़ा डाल देते हैं, हो जाएगा। उसके बाद मसाला डालेगा, मसाला नहीं चाहिए ना, रेड चिल्ली डाल देते थोड़ा, ज़्यादा मत डाल भाई पेट खराब हो जाएगा ना। फ्लेवर के लिए थोड़ा दूसरा मसाला डाल दे उसके बाद बढ़िया। मीट मसाला है, गरम मसाला है, थोड़ा गरम मसाला डाल दे, मीट मसाला अभी नहीं चाहिए लास्ट में। ये देखो हमारा स्पेशल कुक, तो डाल देते हैं ना, स्पेशल कुक है लेकिन पूछ पूछ के डाल रहा है और इधर क्या चल रहा है, प्याज, प्याज कटिंग चल रहा है, ऊपर दिवाली चल रही है। स्पून दे रहा ना, स्पून स्पून दे। वाओ, तो हमारा सब्जी हो रहा है अभी, तो धनिया डालने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया। चलो धनिया डाल दो, धनिया फेंक के मारो, डालना नहीं इसको, फेंक के मारो। तो गाइस इतना बारिश में हम लोग कैंपिंग करके अभी खाना वाना भी पका लिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमारा साथ अपना जो भाई है नारायण वो भी शामिल है, वो तो घर जाने वाला है यहाँ, ये जो कोलफील्ड है, कोलफील्ड का पास में पड़ता है उनका घर। तो हम लोग आज यहाँ पे टेंट लगा के रुकने वाला हूँ आज रात को, कल सुबह आपको दिखाएंगे यहाँ का जो व्यू वगैरह। अभी ग्रीन हो गया ना, अभी पूरा ग्रीन हो गया, तो खाना अभी रेडी हो गया। चलो खा लेते हैं, आप खाना को दिखा देते हैं एक बार। ये देखो तो टाइम हो चुका है अभी 10 और खाना उना भी खा लिया हम लोग। खाना तो क्या खाया वो दिखा दिया आपको। और हम लोग सोने के लिए अभी 10 का अंदर आ गया और कल सुबह आपसे मिलते हैं दोबारा। सो गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो।